हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चिनिया क्लासेज में। तो अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज। तो एवरेज के अधिकतर टाइप्स अपने क्लियर कर लिए थे, और अब अपने एवरेज पे आधारित क्वेश्चन करने वाले जो एग्जाम में आते हैं और अपने को दिक्कत करते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन और किस प्रकार से अपने उनको हल करने वाले। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय एस है तथा अन्य कृषि श्रमिकों की अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत आय औसत मासिक आय बनानी है। ठीक है ना, तो बेसिक से करने वाले हैं इसको। तो देखिए, अपने को दिया हुआ है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय, औसत आय एस है तथा अन्य श्रमिकों की औसत आय वार्षिक वो कितनी है, टी है। कृषि श्रमिकों की जो संख्या है कृषि श्रमिकों की, वो अन्य जो श्रमिक है उनकी संख्या का क्या है, 11 गुना। अपने मान लेते हैं जो अन्य श्रमिक की संख्या क्या है, एक्स मान ली। अन्य श्रमिक की संख्या जब एक्स मान ली तो कृषि श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दिया ना कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का क्या है, 11 गुना। ठीक है ना, फिर उसने क्या देखा है, तभी सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन श्रमिकों का योग लेना पड़ेगा, दूसरे श्रमिकों का योग लेना पड़ेगा। तो पहले अपने कुछ कृषि श्रमिकों का योग, तो अपने निकाल लेते हैं कृषि श्रमिकों का योग, कृषि श्रमिकों का औसत दे रखा है और संख्या अपने पास है। जब योग निकालते हैं तो अपने क्या करते हैं, एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास क्या आता है, योग आ जाता है। तो अपने पास औसत इसका कितना है, एस, और गुणा में संख्या कितनी है, 11 एक्स। ये कृषि श्रमिकों का योग आ गया, और फिर अपने अन्य श्रमिक इनका योग निकालेंगे, इनका वार्षिक आय कितनी है, औसत टी, और संख्या कितनी है, एक्स। तो ये कृषि श्रमिकों का योग वार्षिक, और ये अन्य श्रमिकों का योग आ गया। अब अपने क्या करते हैं, योग अपॉन में औसत क्या करते हैं, टोटल औसत निकालते हैं, तो योग अपॉन में संख्या, तो टोटल योग और टोटल संख्या। तो अपने क्या करते हैं, इन सभी का, तो सभी श्रमिकों का औसत, तो इनका योग कितना है, एस इंटू इलेवन एक्स प्लस इनका कितना है, टी एक्स, और संख्या कितनी है, इनकी तो है 11x और प्लस इनकी कितनी है, x। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से प्लस टी एक्स, 11 प्लस 1 यानी कि यहाँ से t को अगर x कॉमन ले सकते हैं तो क्या होती है, 11x प्लस t, और अकाउंट में एक्स एक्स बचा क्या, 11x प्लस, अगर वो अपने से पूछता है वार्षिक, अगर अपने से पूछता है कि श्रमिकों की वार्षिक औसत आय बताओ, तो हो जाएगी अपने पास 11x प्लस टी और 12। ठीक है, यदि वो अपने से पूछता है मासिक आय बताओ, अगर मासिक पूछता है तो अपने क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि वार्षिक साल की बात कर रहा है, एक मंथ की बात करें तो इसका मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 11x प्लस टी अपॉन में 12 इनटू में इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास मासिक आय कितनी आ जाएगी, मंथली आय अपने पास 11x प्लस टी अपॉन में 140। इस प्रकार के क्वेश्चन को बेसिक से अपने बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास, पांच क्रमागत विसंगत पूर्णांक ए बी सी डी ई के औसत को ए बी सी डी ई के पदों में बताना है। इनके औसत में, इनके औसत को, ये जो आपके पास पांच क्रमागत धन विषम पूर्णांक दे रखे हैं, इनके औसत को पूछ सकता है वो ए के पदों में, पूछ सकता है बी के पदों में, सी के पदों में, डी बी के पदों में और ई के पदों में आपसे पूछ सकता है। एग्जाम में अपने को क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सीजीएल, एलडीसी, जीडी, काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो अपने से पूछा गया है कि इसको ए के पदों में, बी सी, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, ए के पदों में पूछ सकता है, बी के, सी के, डी के, जो भी, अपने सब एक साथ कर लेंगे और अपना क्लियर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, अपने जानते हैं कि पांच क्रमागत क्रमागत है, यानी कि ए बी सी डी और ई, ये पांच क्रमागत विषम धनात्मक क्रमांक। अब मैंने आपको जब सेशन शुरू करवाया था मैंने ये बात कही थी, जब संख्याएं क्रमांक हो तो कम मान हो, तो जब उसकी मिड वाली वैल्यू उठा लेते हैं तो वही अपना क्या होता है, एवरेज। तो अपना एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, सी अपना क्या हो जाएगा, औसत। दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं साथ के साथ एक एग्जांपल और लेता हूँ, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो सके। मैंने एक सब संख्याएं ले ली, एक, तीन, पाँच, सात और नौ, अपना एवरेज क्या जाएगा, एवरेज अपना हो जाएगा पाँच, जो कि सी के इक्वल है। अब देखिए दोस्तों, उसने पहले अपने से पूछा है कि इसको ए के पदों में, मतलब अपने से बात करें कि ए के पदों में बताओ, ए के पदों में एवरेज कितना आएगा, यानी कि ये अपना ए है, ये ए है, इसके पदों में पहुंचा है, उसका मतलब अपने क्या लिख सकते, सी, सी की वैल्यू कितनी है, फाइव, सी की वैल्यू कितनी है, फाइव, अपने को फाइव बनाना है, अपने पास कितना है, ए, ए के पदों में बताना है, इसलिए अपने क्या करेंगे, ए प्लस फोर, इस ए को फाइव बनाने के लिए क्या करना है, ए की वैल्यू एक है, इसमें चार जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास सी आएगा, पांच आएगा, समझ आ रहा है। और ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है, तीन से दो, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा, सी। तो इस ए से मैं इस एवरेज तक आने के लिए क्या करूँगा, ए प्लस फोर, तो अगर आपसे ए के पदों में पूछे तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस फोर आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ से इसको आप कर सकते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू, फाइव इज इक्वल फाइव, यानी कि सी। फिर अपने इस बात को पूछ लिया जाए, आप बताओ बी के पदों में, बी के पदों में बी कौन सा है, ये बी के पदों में, तो बी और इसका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस है दो का, तो B से C तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, C इज इक्वल बी प्लस टू, बी प्लस टू, क्योंकि B की वैल्यू कितनी है, तीन, तो तीन में दो जोड़ेंगे कितना आएगा, फाइव, यानी कि C आ जाएगा। तो B के पदों में पूछेगा तो हमें क्या बताएंगे, B प्लस टू, तीन और दो कितने हो जाएंगे, पाँच। अगर आपने से पूछ ले, ये तो आपका था A के पदों, अपने से पूछ लिया जाएगा सी के पदों में, अपने बता दिया बचा आपका बी के पदों में, तो डी ये, तो डी ज्यादा है, एवरेज अपना कितना है, फाइव, फाइव से, यानी कि यहां तो डी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी माइनस टू, फिर वापिस सी पर, एवरेज वो ही अपने रहना चाहिए, क्योंकि एवरेज तो सेम ही रहता है, एवरेज बदलता थोड़ी है, एवरेज तो सेम ही रहता है, पांच क्रमागत संख्याओं का एवरेज तो सेम ही रहेगा, तो सेवन माइनस टू यानी कि डी माइनस टू, तो सात में से पांच गए, दो गए तो कितने थे, पांच, तो ये आपका डी के बराबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ई के बराबर, ई कौन सा है, ये यहाँ तक आपने दो और दो कितना हो जाएगा, फोर, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे ई माइनस
क्योंकि नाइन नाइन में से फोर के कितने बचेंगे, सी सी यानी कि फाइव। ई के फॉर्म में पूछे तो ई माइनस फोर इज इक्वल सी, तो ई के फॉर्म में पूछे तो ई माइनस फोर। तो ये दोस्तों इसने आपको ए की फॉर्म में, बी की फॉर्म में, सी और डी ई की फॉर्म में, सब के फॉर्म में आपको बता दिया। एग्जाम में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है और वो आपसे एक पूछेगा, या तो पूछेगा ए के बताओ में और चार ऑप्शन दे देगा, कोई भी चार के ऑप्शन दे देगा, तो ए के फॉर्म में पूछेगा आपसे एक, वहाँ पे ऑप्शन आपको सी भी मिलेगा, लेकिन आपको सी ठीक नहीं करना, आपको पूछेगा जिसके फॉर्म में पूछेगा आपको वही बताना है। तो यदि ए के फॉर्म में पूछेगा तो ए के फॉर्म के लिए क्या बनेगा, ए प्लस फोर। बी की फॉर्म में पूछे तो बी के लिए बी प्लस टू। डी की फॉर्म में पूछे तो डी माइनस टू, प्लस ई की फॉर्म में पूछे तो ई माइनस है फोर। और सी को ऑलरेडी इसी फॉर्म में पढ़ाई है, सी तो अपना हो ही जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ, ये बस आप नोट डाल के डायरेक्ट लिख लेना, नोट डाल के आप डायरेक्ट लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है पास। तो ये चीज़ आपको बस आपने प्रैक्टिस की है तो डायरेक्ट आप उस पर टिक कर दोगे, आपको कोई कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। समझ आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास, यदि 20 प्रेक्षणों का जो प्रेक्षण क्या है x1 x2 x3 as x20 का एवरेज कितना है y, तब x1 - 101 यानी कि 101, x2 - 101 यानी 101, x3 - 101 - x20 - 101 का एवरेज क्या होगा। अपने पास 20 प्रेक्षण थे और जो प्रेक्षण क्या है x1 x2 x3 और x20 का एवरेज ये दिया हुआ आपको y, फिर अपने से पूछा हुआ है x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101, x20 - 101 का एवरेज बता। तो दोस्तों बस लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है बस, और कुछ नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन स्पेशल इस पे हमने एक टाइप किया हुआ है अगर आपको याद हो तो। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या का एवरेज दिया हुआ है, किसी संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है और उसके बाद में जब उन संख्याओं पे, जिन संख्या को एवरेज, उन संख्याओं पे समान संक्रिया लगाई जाती है, जैसे कि उन पे मल्टीप्लाई कर दिया, उनके साथ गुणा सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद या जोड़ कर दिया या घटाव कर दिया या उन सभी में भाग दे दिया, तो जो संक्रिया या जो प्रोसेस अपने उन सभी संख्याओं पे लगा रहे हैं तो वो सेम संक्रिया क्या हो जाती है, एवरेज पे अपने आप लग जाती है। इसका मतलब बस एक 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 3 सेकंड में जाएगा कि आपको जो संख्या वो सब संख्या में लगा रहा है वो डायरेक्ट आपको एवरेज में पुट कर देना है, जो पहले वाला एवरेज है बस इतना ही कवर करना है। तो जैसे उसने देखा है एक्स में सबका एवरेज वाई है और उसके बाद में सब में से उसने क्या कर दिया, 101 माइनस कर दिया, सब में 101 माइनस कर दिया, तो अपना नया एवरेज क्या आएगा। तो अपने पास पहले वाला जो एवरेज क्या था वाई था, अपने क्या करेंगे वाई में से 101 माइनस कर दिया, ये दोस्तों आपका नया एवरेज आ गया, इतना सब करना है दोस्तों। और ये दोस्तों सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कभी हमें अपने इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते बस दिमाग घूम जाता है कि ऐसा कुछ किया ही नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज को टफ बनाएंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की अपने प्रैक्टिस करिए तो देखते हैं अपने आंसर पुट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं सीजन में और LDC में कई प्रकार के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, जब भी आया हुआ नीचे वाला क्वेश्चन भी वो भी देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको जो संख्या उसने लगा रखी है वो डायरेक्ट आप एवरेज में लगा दो, यदि उसने प्रत्येक संख्या में लगाई तो उसने सब देखो सब में से 101 किया तो डायरेक्ट आप एवरेज में जो पहले वाला एवरेज उसमें से माइनस कर दो। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे क्या दे रहे हैं, 8 संख्याओं का एवरेज 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से, अब फिर उसने क्वेश्चन बोला 8 संख्या को 27 और प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नया एवरेज जो नया समूचे उन सबका एवरेज बताओ, आपको क्या करना है डायरेक्ट जो पहले वाला एवरेज है उसके साथ वो संख्या लगा दो, यानी कि 8 से जब प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हो एवरेज को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नया जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा 27 * 8
एन क्या है 56 और 13 ये लिखो दोस्तों बिल्कुल एक सेकंड में ये लगा दोस्तों डायरेक्ट आपके आंसर आ। इस प्रकार के क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि अपने किया हुआ है लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अपने क्या होते हैं भूल जाते हैं और फिर अपने को दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों दो तीन एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ गए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, एक्स संख्याओं का औसत वाई है, वाई संख्याओं का औसत है वो एक्स है, तो आपको सभी संख्याओं का औसत एक्स और वाई का औसत बताना है दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन अगर अपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं किए तो अपने लिए टफ हो जाएंगे एग्जाम में। इसी प्रकार के क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को कैलकुलेशन वाले अपने प्रैक्टिस में करते रहते हैं तो दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे वाले क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है और ये काफ़ी एक बार एग्जाम देखने को मिलेगा आते हुए रहते हैं दोस्तों। देखिए एक्स का एवरेज कितना है, एक्स का औसत वाई, एक्स का औसत वाई है तो एक्स का योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई का एवरेज है वो कितना है, वो अपने पास है एक्स, तो वाई का योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स औसत वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपने सभी का यानी कि इसका भी और इसका भी दोनों का यानी कि एक्स प्लस वाई का औसत बताना है सभी का, तो अपने औसत के लिए अमरों का योग हो गया, तो एक्स का योग कितना है एक्स वाई और इसका योग कितना है वाई एक्स, अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स। अपने जानते हैं कि जो जोड़ होता है वो कॉम्यूटेटिव यानी कि कर्म विनिमय में होता है, कर्म नियम का मतलब उसका कर्म आगे पीछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका जोड़ घटाव अपने कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसको अपने जोड़ लेंगे तो अपने पास क्या आएगा टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस आंसर हो जाएगा। अगर उस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए तो देखते हैं आंसर अपने बता सकते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैंने रखा है वो देखते हैं दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे अपने पास अपने को दिया हुआ इसने, इसने बोला है x का एवरेज कितना है y स्क्वायर, x का औसत y स्क्वायर, वहां पे y था यहाँ पे y स्क्वायर, तो x का योग कितना हो जाएगा, तो x का योग यानी कि x इनटू y स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसने दिया y का औसत है x स्क्वायर, y का औसत x स्क्वायर है, तो y का योग कितना हो जाएगा y * x स्क्वायर। अब इन सभी का पूछा यानी कि x + y क्या करें, इनका योग x plus y square, x y square plus इनका है y x square और अपॉन में x plus y। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से अपने x y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x गया यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ से क्या क्या y x गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x अपॉन में x plus y। तो मैंने बताया जोड़ होता है वो कम्यूटेटिव यानी कि कर्मीय में होता है, इसको कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे पास आंसर क्या है x, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने इस पर के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ आ रही होगी। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, कई बार दोस्तों इस प्रकार का आसान सा क्वेश्चन दे देते हैं और अपने ट्रिक के चक्कर में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको दोस्तों आप बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया फर्स्ट बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इन सब का योग कर दो दोस्तों, 1.1103 अंक ऐसे मैं इसको प्लस 0.0010 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.110 अपॉन में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन सब को ऐड कर लो तो फिर 1
दो और तीन, और फिर आपका एक दो और तीन, और फिर आपका हो जाएगा फाइव। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5×10^26 और 64 ये लीजिए क्वेश्चन। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। अपने क्या करते हैं इसमें ट्रिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लॉजिक देखते हैं और फिर अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अपने जितने भी टाइप थे उसके आधारित सभी के मिक्स क्वेश्चन लिए और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन दो दो तीन बार चार बार आए हुए हैं क्वेश्चन दोस्तों, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और एक दो क्लास इसी प्रकार से वो रखने वाले हैं दोस्तों। आपको सेशन उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल सीनियर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों कमेंट भी करते रहें।